नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे ईएसपी में जो जैकिंग बोल्ट फिटिंग किया जाता है वो कैसे फिटिंग किया जाता है और क्यों फिटिंग किया जाता है, उसका क्या जरूरत पड़ता है जैकिंग बोल्ट का। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जैकिंग बोल्ट ईएसपी इंसुलेटर चैम्बर के अंदर चला गया, इसको हमने अभी अंदर ले लिया है। दोस्तों अंदर लेने के बाद अभी उसको कैसे फिटिंग करेंगे और कहाँ फिटिंग करते हैं, क्यों फिटिंग करते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, आपने जैक का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा ज़्यादातर गैरेज में, जहाँ पे व्हीकल का हम मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी का जहाँ पे व्हील चेंज किया जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे हम जैक का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। हाइड्रोलिक जैक हो या मैनुअल जैक हो, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईएसपी के अंदर जैक का ज़रूरत क्यों पड़ता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, ईएसपी का जो ओयर रहता है, ओयर पूरा हैंगिंग पोजिशन में रहता है। एक फील्ड में हम चार सपोर्ट इंसुलेटर की मदद से कंप्लीट फील्ड को पूरा हैंगिंग पोजीशन में रखते हैं। मैं एक वीडियो में भी आपको दिखाया था, यानी मान लीजिए अगर कोई सपोर्ट इंसुलेटर डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो ईएसपी जो फील्ड हैंगिंग में रहता था वो एक साइड में डाउन हो जाएगा, एक साइड पूरा डाउन हो जाएगा और फिर अंदर से वो पूरा शॉर्ट सर्किट होके ट्रिप करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट में ट्रिप करने लगेगा। तो ये एक रीज़न होता है शॉर्ट सर्किट का, इंसुलेटर डैमेज हो जाए तो फील्ड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब भी ये इंसुलेटर को चेंज करना हो या फिर उसका जो सस्पेंशन ट्यूब रहते हैं, सस्पेंशन ट्यूब को चेंज करना हो, टायर रॉड को रिप्लेस करना हो, तो उसी समय हमको फिर फील्ड जो नीचे अंदर चला गया था, फिर उसको धीरे धीरे उठाना पड़ेगा। उसका नॉर्मल पोजिशन में लाने के लिए ऊपर से ही ला सकते हैं, क्योंकि तीन सपोर्ट इंसुलेटर में फील्ड तीनों साइड से सही पोजीशन में है, लेकिन एक साइड में जो टूट गया होगा उसी साइड ये डैमेज होके नीचे चला गया होगा, तो उसको उठाने के लिए हमको ये जैक रॉड से ही फील्ड को उठा सकते हैं, क्योंकि ये यू शेप का है। तो यू शेप को हम नीचे घुसा देंगे तो अंदर वाला जो शाफ्ट रहता है, ओयर डिस्चार्ज ओयर का शाफ्ट रहता है, वहाँ पर उसको फंसा के ऊपर से उसको बोल्ट लगा के धीरे धीरे उसको टाइट करेंगे। तो हम जितना टाइट करेंगे वो नीचे वाला फील्ड धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, फील्ड को जब हम अलाइनमेंट करेंगे तो उस समय हम इसे उठा के फील्ड को अलाइनमेंट कर सकते हैं। और एक होता है दोस्तों, जब सस्पेंशन ट्यूब खराब हो जाए उसको रिप्लेस करने के लिए भी ये वाला सपोर्ट इंसुलेटर को खोलना पड़ेगा। तो खोलने से पहले हम फील्ड को ये थ्रू जैक रॉड लगा के उसको हम पूरा अलाइनमेंट कर देंगे, सही पोजिशन में ले आएंगे। उसके बाद सपोर्ट इंसुलेटर को वहाँ से खोलेंगे, सस्पेंशन ट्यूब को अगर रिप्लेस करना होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे। टायर रॉड का रिप्लेसमेंट करने के लिए भी ये जैकिंग बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका प्लांट में शटडाउन हो जाए, 10-15 दिन का शटडाउन हो जाए, तो ईएसपी को चेकिंग करने के समय टायर रॉड, सस्पेंशन ट्यूब, इंसुलेटर, हीटर, इसको बारीकी से आपको चेक करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको डैमेज नज़र आए, ज़्यादातर क्या होता है, ईएसपी का जब इंसुलेटर हीटर खराब हो जाते हैं तो इंसुलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो इसलिए इंसुलेटर पे क्रैक आ जाता है या इंसुलेटर डैमेज हो जाता है। सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम की वजह से जो सस्पेंशन ट्यूब रहता है, टायर रॉड रहता है, वो भी डैमेज हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा कंडेंसेट हो जाता है। तो इसीलिए आपको हर शटडाउन में ये सब चेकिंग करना पड़ेगा। अगर ये सब खराब निकले तो आप उसको जैक रॉड लगा के, जैक बोल्ट लगा के आप उसे रिप्लेस करेंगे, वो भी सही अलाइन।